वेलकम बैक टू अवर चैनल तेजा ब्लॉग्स। साथ ही ताप्ती अर्जुन मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मृत्युंजय पटेल और अभी मैं हूं माँ ताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई के माँ ताप्ती मेले में। हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा से मेला स्टार्ट हो जाता है, पर बारिश आई और अमूमन हमारे यहाँ का जो नगर पालिका प्रशासन है और मेला है वो तकरीबन 15 दिनों के बाद से स्टार्ट होता है। तो अब तकरीबन 15 दिन होने को आए हैं और मुल्ताई में जो मेले की रौनक है वो एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मतलब काफ़ी समय से हमारे जो दर्शक हैं उनका ये कहना था कि मुल्ताई में माँ ताप्ती मेला किस शबाब पर है, किस स्तर तक पहुँच चुका है, उसी को लेकर आज हम आपको ये पूरा एक कवरेज दिखाने वाले हैं कि मुल्ताई में झूले लगभग आ गए हैं, दुकानें भी सजने लगी है, बस इंतज़ार हो रहा है माँ ताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई के नगरवासियों का। तो अब हमारे मुल्ताई के जो नगरवासी है वो भी शाम में शायद पहुँचने लग गए होंगे। तो एक बार ये बैक कैमरे से मैं आपको पूरा हाल दिखाता हूँ और हम लोग यहाँ पर लगातार आते रहेंगे और जो भी आपको मतलब इस बीच जो भी सवाल जवाब और जो भी चीज़ देखने की इच्छा होगी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे जो भी दर्शक हैं और वो हमें शूटिंग करते हुए यहाँ पर मिल जाते हैं तो हमसे आकर अवश्य मिल सकते हैं, ऑन द कैमरा हम उनसे मुलाकात करेंगे। तो आज का पूरा वीडियो हमारा यही रहेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग थोड़ा हाफ स्क्रीन से बात करते हुए चलते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ सामने मतलब ठीक इस तरफ आपको जो झूले वगैरह नज़र आ रहे हैं ये लगभग आ गए हैं, टेम्पोलिन भी मुझे यहाँ पर खासे नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ चलते भी चलेंगे और एक पूरा राउंड में आपको लगभग अपनी नज़र से अपने अंदाज से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। धूप यहाँ पर फ़िलहाल अभी बज रहा है तकरीबन 3 या 4। हमारे नगर पालिका अमला भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। लगातार इन लोगों की ड्यूटी भी जो है गाइस वो लगी रहती है। यहाँ से है जहाँ पर मैं आपको एक पूरा, जैसे हम लोग आए थे वो सफ़ेद वाले वहाँ से, और अब हम लोग चलने वाले हैं झूले की तरफ और इस तरफ आपको सारी दुकानें यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो हम लोग चलते हैं पहले झूले के सेक्शन पे। अच्छा, तो आपको यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये काफ़ी बड़ी अलग अलग जगह से नज़र आ जाएंगे। फिर हम लोग आपको धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर के चलते हैं और सबसे पहले तो यहाँ पर चलेंगे और ये हमेशा की तरह इसी दुकान पर लगे हुए हैं। ये टेम्पोलिन आपको नज़र आ जाएगी, सॉरी टेम्पोलिन नहीं है गाइस, आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है, मिक्की माउस बोलते थे हम लोग छोटे थे तो। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर धीरे धीरे मतलब झूले का आनंद लेते हुए नज़र आ जाएंगे। इस तरफ भी आपको पूरे क्या बोलना चाहिए, मेले का हाल ये पीछे का एक पूरा साइट है और ये पहला इधर कपड़े का पूरा रेंज आपको दुकानें मिल जाएंगी। हमारे यहाँ रेंज का कुछ भी नहीं होता है, छोटे झूले जो आपको यहाँ पे खासे नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी गाड़ी जो लगभग मेरे ख्याल से सबसे पहले यही आई थी जब हम लोग फर्स्ट डे आए थे तब मैंने यही देखा था। सबसे ज़्यादा आपको जो भीड़ है वो आपको यहीं पर नज़र आ जाएगी, कहाँ पर, झूले के बाद में। और छोटा बच्चा बांसुरी बहुत अच्छी बजा रहा था। भैया मेला लग गया है क्या, रौनक आई कि नहीं आई, सब पब्लिक का इंतजार है। अच्छा, मुल्ताई वाले लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे अभी, आने लगे हैं। चलिए, और गाइस ये देखिए एयर गन की जो शूटिंग है वो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मतलब अलग अलग वैरायटी की आपको सारी दुकानें भी नज़र आ जाएगी, सारी चीज़ें भी नज़र आ जाएगी। ब्रेक डांस वाला जो झूला है वो भी आपको खासा मतलब क्या बोलें अट्रैक्ट करने वाला एक झूला होता है। ये देखिए हाथ पे जो गुदना वगैरह होता है वो भी आपको समझ में आएगा। मतलब मैं तो आपको एक पूरी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, फिर हम लोग यहाँ से धीरे 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 एक पूरा आपको क्या बोलना चाहिए, जो जो चीज़ें आ चुकी है उसके बारे में बताएंगे। आप लोग यहीं से आए हो, बाहर से हो? बाहर से। बाहर से कहाँ से? पांडुरना से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको टेम्पोलिन भी नज़र आ जाएंगे और हम लोग चलते हैं हमारे पत्रकार बंधुओं से मिलते हैं थोड़ा सा। तो अंकल नमस्कार, कैसा क्या चल रहा है मेला? मेला तो ऐसे अवस्था है पूरी मेले में, क्या व्यवस्थित बिल्कुल नहीं है, अधिकारी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, हम लोग भी उसी फील्ड देखने आए मेला।
तो ये यहाँ पर मेरे ख्याल से स्वास्थ्य की व्यवस्था है, है? यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित सारी चीजें होने वाली वाले भी और पुलिस वाले भी हैं, तो पुलिस वालों की ड्यूटी तो है क्या? पुलिस वालों की ड्यूटी है, लेकिन बाकी लोगों का कुछ नहीं है। अस्पताल वाले बैठे रहते हैं यहाँ पे क्या, लेकिन ये जो रोड है उस पर जो अतिक्रमण हो रहा है वो गलत है। लोगों ने शिकायत करी हमसे भी क्या कि भाई ये लोग सामने दुकान लगा ले रहे हैं, हमारा धंधा मार खाता है, वो भी बेचारे बहुत दूर से आए। मतलब आपका कहना है जो रेडी वाले लोग हैं वो आगे आ जा रहे हैं? हाँ भाई, जिनको मिला है प्लाट वो लगा है अपना, अब उनके सामने आप लगाएंगे तो ऐसा थोड़ी होगा। ये तो मेला अधीक्षक है या जो भी इंचार्ज है यहाँ का, उसको देखना चाहिए ये बात है। हम लोगों को भी कई कंप्लेंट करी, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। कौन इंचार्ज कौन है यहाँ का? तो जिसका जी चाह रहा है वो वहीं लगवा रहा है, उनका ये हटा लो वो उठा के वहाँ लगा लो, उसको उठा के वहाँ लगा लो, ऐसा थोड़ी होता है। पैसे दिए आप, रोज पैसे ले रहे हैं उनसे क्या? और इसके अलावा मेले में लोग पहुँच रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी? मेले में क्या है कि अभी पूरी तरीके से दुकानें लगी नहीं है क्या, और पूरी तरीके से मेला भी शवाब पे आया नहीं क्या, लेकिन उसको आने में कम से कम 2-4-5 दिन और लगेंगे जी। आने वाला गुरुवार? हाँ, आने वाले गुरुवार को मेला अच्छा भरेगा ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या परेशानी है आपकी? ये रोड पे सारे लोग लगा लेते हैं फुटपाथ वाले, और इनको बोलने को जाओ तो फिर ये लेडीज होन आंग पे आती है, तो ये अब प्लाट काट के हम लोग बैठे हैं, तो हमने क्या करना? तो आप ये जो प्लाट कटे इसके बकायदा पेमेंट वगैरह कर रहे होंगे? इसके जो भी फीस वगैरह है सालों से लग रहा है, जब से मेला इस ग्राउंड में आया जब से दुकान लगा रहे हम लोग, तो इसको लेकर आपने कोई शिकायत वगैरह करी है? ये हम लोग गए थे दोपहर में सीएमओ साहब से शिकायत किए जाके, और अध्यक्ष साहब भी बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने बोले कि हम लोग आते 2 बजे तक, अभी तक नहीं आए। और ये इन लोग अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा 4:30। अभी 4:30 बज गया है। अभी 4:30 दिखा सकते हैं आप मोबाइल में टाइम? जी हाँ, ये घड़ी में है ना, वॉच में टाइम है यहाँ पे। नहीं, आपके मोबाइल में दिखा दीजिए। ये 4:30 साढ़े चार हो रहा है, और आपने तकरीबन 1 बजे शिकायत करी थी? हाँ, 12:30 बजे के लगभग। 12:30 बजे और अभी तक कोई आया नहीं है? कोई आया नहीं। इसकी शिकायत मुल्ताई एसडीएम से की है आपने? नहीं, सीएमओ साहब से की है हम। अच्छा, सीएमओ मुल्ताई सीएमओ से आपने शिकायत कर दी है, और आप ही को परेशानी है और भी किसी को परेशानी है? दुकानदार है। आपकी काय की दुकान है? ये सामने रेडीमेड, ये कपड़े गर्म। अच्छा, ये कपड़े की दुकान है। तो आपको क्या परेशानी हो क्या रही है एक्चुअली? बीच में लगा के बैठे हैं तो इससे बहुत तकलीफ है, इनको बोलो तो ये उल्टा सीधी बातें करते हैं। तो और इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, इस वजह से ये लोग कहीं पे भी बैठ जा रहे हैं। बेचारे की नगर पालिका इनकी व्यवस्था बना दे तो अच्छी बात है, हमको भी तकलीफ नहीं, इनको भी तकलीफ नहीं, किसी को तकलीफ नहीं। ये सामने जो लगी है दुकान, इससे तो परेशानी है। सारी दुकानें इस टाइप की जो भी दुकानें हैं अवैध टाइप की, इससे आपको परेशानी हो रही है? ये कपड़े की इनकी दुकान है, बताओ अपनी परेशानी दुकान के। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुख महाजन। हाँ बताइए क्या परेशानी है? परेशानी ये है, फुटपाथ वाले दुकान के सामने लगा रहा है, इससे आपका जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, बाधा पड़ रही ना वो। कैसे प्रभावित हो रहा है वो भी बताइए। ग्राहक को चलने फिरने की जगह नहीं मिल रही है। तो इसकी कोई शिकायत वगैरह करी है आपने? हाँ, नगर पालिका में बोले थे।